इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये रखवाले हैं, इनका काम रक्षा, देश की रक्षा करने का है, ये रखवाले हैं, बिक गए सब। आज आप देखिए, मैंने मीडिया वालों को मजाक उड़ाया, डरे हुए हैं। आप सरकार के स्पोक्समैन हो क्या? आप सरकार के लिए काम करते हो क्या? आज की वीडियो में बात राहुल गांधी की करेंगे। राहुल गांधी अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इस वीडियो में बात उनके उन भाषणों की करेंगे जिनमें उन्होंने गोदी मीडिया को ट्रोल किया हो या उसकी क्लास लगाई हो। बंगाल में चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री को कोरोना के मुद्दे पर घेरना शुरू किया। इस दौरान राहुल गांधी ने मीडिया को भी ट्रोल किया और बिका हुआ बताया। ये हमारे प्रेस के मित्र बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। इन्होंने कहा राहुल गांधी लोगों को डरा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा भाइयों और बहनों कोरोना आया है, थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा, हिंदुस्तान थाली बजाए। ये व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, गहरी बात बोल रहा हूं, ये व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है और ये एक्शन ले बजाए मजदूरों के लिए रेलवे टिकट बस टिकट खरीदने के बजाय देश को कह रहा है घंटी बजाओ। और ये जो मीडिया वाले हैं ये 24 घंटे दिखा रहे भैया देखो हिंदुस्तान घंटी बजा रहा है, घंटी बजा रहे, देखो घंटी बज रही सब जगह, तो ताली बजाओ भैया घंटी बज रही है कि कोरोना फैल गया, लाखों लोग मर गए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई, मैं प्रधानमंत्री हूं। कुछ बोला उन्होंने? कुछ नहीं। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये रखवाले हैं, इनका काम रक्षा, देश की रक्षा करने का है, ये रखवाले हैं, बिक गए सब, सब के सब बिक गए हैं। 24 घंटा ये नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी के एक प्रोग्राम के दौरान अपने भाषण में राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए मीडिया को भी सुनाना शुरू किया। अपने इस भाषण में राहुल ने मीडिया को डरा हुआ बताया। अच्छा एक बात बताता हूँ, ये सब मीडिया वाले हैं ना, ये भाषण टेलीविजन पे नहीं डालेंगे, ये डाल ही नहीं सकते, ये भाषण टीवी पर नहीं जा सकता। हम इनको दोस्त कहते हैं मगर ये दोस्त है उनके। आज आप देखिए, मैंने मीडिया वालों को मजाक उड़ाया कि हैं उनके मित्र, नहीं उनके मित्र नहीं है, डरे हुए हैं। राहुल गांधी ने इलेक्शन रैली के दौरान दिए भाषण में राफेल का मुद्दा उठाया और अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरना शुरू किया। इस भाषण में राहुल ने गोदी मीडिया को भी ट्रोल किया। और ये जो हमारे पत्रकार मित्र हैं, ये एक भी नहीं लिखता है, ये दिन भर ये भैया चांद की बात करेंगे, कॉर्बेट पार्क की बात करेंगे, राफेल हवाई जहाज की पूजा करके दिखाएंगे। आपने देखा होगा राजनाथ सिंह फ्रांस गए, राफेल हवाई जहाज की पूजा हो रही है। अरे भैया उसी हवाई जहाज पे इन्होंने 35,000 करोड़ रुपए चोरी किए हैं, मगर चोरी के बारे में मीडिया वाले नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब जो है ये मीडिया वाले सब के सब उद्योगपतियों के कंट्रोल में है। उद्योगपति कहते हैं इनको भैया आज ये छापना है, आज चलो चांद की बात करेंगे, कल भैया मोदी जी कॉर्बेट पार्क जा रहे हैं, कॉर्बेट पार्क की बात होगी, चलो भैया आज 370 की बात करो, चलो भैया आज जम्मू कश्मीर की बात करो। अरे भाई रोजगार की बात कब करोगे, किसानों की समस्या की बात कब करोगे? संसद मार्च के दौरान राहुल गांधी ने मीडिया से बात की। राहुल गांधी ने संसद में एक घटना का दोषी भाजपा को ठहराया, लेकिन जब पत्रकार ने सरकार का पक्ष लेना शुरू किया तो राहुल गांधी ने उसकी क्लास लगा दी। आप सरकार के स्पोक्समैन हैं क्या? सरकार ने आपको ये बोलने को कहा है? मैं पूछ रहा हूँ, आप सरकार के स्पोक्समैन हो क्या? हम सरकार के लिए काम करते हो क्या? मैं मीडिया का आदमी हूँ। नहीं आप मीडिया के आदमी नहीं हो, आप सरकार के आदमी हो, क्योंकि मीडिया की सच्चाई मैं बताता हूँ। आप बताने दीजिए। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है, बाहर से लोगों को बुलाकर
नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? इसका क्या जवाब है? अपने एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने मीडिया पर कुछ अनोखे अंदाज में तंज कसना शुरू किया। मीडिया के साथ साथ में सरकार पर भी निशाना साधकर, अभी मैंने पिछली मीटिंग में बोला, आप टीवी देखते हो ना, है ना, देखते हो? अच्छा, दिन भर टीवी पे आपको किसका चेहरा दिखाई देता है? फिर से बोलो, किसका दिखाई देता है? अच्छा, मुझे एक बात समझाओ, ये मीडिया के लोग बैठे हैं, आपको नरेंद्र मोदी का 24 घंटे चेहरा दिखाई देता है, मगर टीवी पे आपको ना हेमंत सोरेन का चेहरा दिखेगा, ना राहुल गांधी का चेहरा दिखेगा, है ना? नहीं दिखेगा। आपने अपने आप से कभी पूछा क्यों नहीं दिखता? मैं आपको बताता हूं, पहला सवाल आप अपने आप से पूछो, मीडिया किसका है? मीडिया किसानों का है? मीडिया किसानों का है? मीडिया मजदूरों का है? मीडिया बेरोजगार युवाओं का है? नहीं, मीडिया किसका है? ए, नरेंद्र मोदी का नहीं भैया, नरेंद्र मोदी तो उनके लिए काम करते हैं, वो नरेंद्र मोदी के मालिकों का है। आपको राहुल गांधी की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।